आलम दीन बता रहे थे कि हम इराकी आलम दीन थे, कहते मैंने जब भी अपने दादा से ये नाम जब आता था इमाम मूसा काजिम का, तो मैंने देखा कि मेरे दादा गिरिया करने लग जाते थे, रोना शुरू कर देते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया कि ऐ जद्दे बुजुर्गवार, आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये नाम आता है आपकी आंखों में आंसू रुकते ही नहीं है? तो कहते हैं कि बेटा, अगर इस इमाम के दर से अता ना हुआ होता तो आज तुम भी दुनिया में ना होते। होना क्या है? कहा कि मैं छोटा सा था, 8 साल का, 1930 की बात है, बगदाद में हरम के करीब मेरा घर था, वहीं खेलता था। अचानक से एक दिन बीमार हो गया, बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक नहीं हो रहा था, दिन ब दिन तबीयत खराब होती गई। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, जो जमाने में डॉक्टर होते थे, हत्ता यहां तक कि मैं बिस्तर पे गिर गया और पैरालाइज हो गया, हिल नहीं सकता। तो मेरी माँ ने चादर पहनी, माँ माँ होती है अज़ीज़ाने मोहतरम, माओं की कदर किया करें अगर जिंदा है, और नहीं है तो कब्र पर जाकर माँ से भी तवस्सुल किया करें, क्योंकि एक माँ हर मजलिस पे निगाह रखती है, क्योंकि उसकी औलाद का जिक्र हो रहा होता है ना, वो अपनी औलाद के जिक्र को खाली नहीं जाने देती। वो कहती है चादर पहनी और इमाम की जरी पे गई और जरी को पकड़कर कहा, यह इमाम मूसा काजिम, मैंने अपने बेटे का नाम काजिम आप ही की वजह से रखा है, मौला मेरे बेटे को शिफा दे दीजिए। उसको कौन शिफा देगा? कहता ये गिरिया करती हुई माँ वापस आई, रात को ख्वाब में देखा कि दरवाजा दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा देखा खोला तो कहा एक सैयद सिया इमामा, चेहरा इतना नूरानी कि मैंने कभी देखा नहीं था, और कहा कि मैं इमाम की तरफ से आया हूं। इमाम ने कहा है फलाने हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर जाओ। कहते सुबह में बेदार हुई तो मैंने हर किसी से उस अस्पताल का नाम पूछना शुरू कर दिया, तो किसी को पता ही नहीं था, आखिर पूछ 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 तो कहना क्यों पूछ रहे? कहा मुझे इमाम ने उसके नाम भिजवाया है। पता चला वो बगदाद के किसी एक कोने में कोई एक छोटा सा हॉस्पिटल था। कहते वहां मैं अपने बच्चे को लेकर पहुंची तो उसी दिन वहां पे कोई जर्मनी से कोई डॉक्टर आया हुआ था, और वो स्पाइन कॉर्ड में बच्चे के कुछ पानी आ गया था, उसको दूर किया। तो कहा उसने कि बेटा ये इमाम मूसा काजिम का कमाल है कि जो मैं आज जिंदा हूं। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।